आवर चैनल SLSM। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स करेंगे KCL और KVL के ऊपर, राइट। एक क्वेश्चन से प्रॉब्लम आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे बेसिकली एज वेल एज KVL, दोनों के ऊपर बेस्ड रहेगा ये प्रॉब्लम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम है, आपको पूरे अच्छे से देखना है। बेसिकली आज पूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले KVL की कॉन्सेप्ट मैं कुछ क्लियर आपका कर देता हूँ। देखिए अगर ये कहीं कहीं बहुत जगह जैसे मान लीजिए प्लस माइनस है, ठीक है, जब हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करें तो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आप पॉजिटिव भी ले सकते हो अगर है तो। लेकिन बेसिकली मैं आपको अब प्रेफर करूँगा, क्योंकि एक अभी प्रेफर कर सकता हूँ, आप जब इधर से इधर जाओगे तो आप निगेटिव ही साइन लो, ठीक है। ये वी दिया हुआ तो आप माइनस भी लिया करो, राइट, क्योंकि ये बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इजी पड़ेगा। ऐसे वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, मैं अभी बता सकता हूँ। और रजिस्टर के केस में देखिए, जब भी आई फ्लो होता तो आर रहता, यहाँ प्लस माइनस होता, तो हम लोग जब भी ड्रॉप लेते हैं तो माइनस आई आर का ही लेते हैं, राइट। तो यहाँ भी आप माइनस ही लो जब पॉजिटिव से निगेटिव हो, मतलब कि जिस पोल से आप जा रहे हो, राइट। अगर मान लो ये निगेटिव है पॉजिटिव है, अगर हम इधर से जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव से इधर निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ मेरा निगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमको कॉन्सेप्ट को याद रखना है, हम बाद वाला लेंगे, ठीक है, हमेशा बाद वाला टर्मिनल का ये हमको साइन लेना पड़ेगा, राइट, जिधर से जा रहे हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना। पिछले वाला भी सही है, लेकिन आप ये वाला भी कर सकते हो, इससे आप सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन पिछले वाले में कुछ दिक्कतें आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बेसिकली मान लीजिए ये रजिस्टर, यहाँ एक मतलब कि वोल्टेज दे देता हूँ, मैं एक रजिस्टर दे देता हूँ, यहाँ एक वोल्टेज दे देता हूँ, यहाँ एक रजिस्टर दे देता हूँ, यहाँ एक रजिस्टर दे देता हूँ, यहाँ एक वोल्टेज प्लस एक रजिस्टर दे देता हूँ, राइट। ये हो गया मेरा, मैं मार्कआउट करता हूँ 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और ये 30 वोल्ट दे देता हूँ, ठीक है। और मार्कआउट करता हूँ रेजिस्टेंस का, तो ये 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ और ये 6 कर देता हूँ, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस भी मार्कआउट होगा। अब बेसिकली अपन को करंट देखना, राइट है, ठीक है, सही बात है। अब अपन करंट देखेंगे, करंट का फ्लो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ से I1 करंट को मैं फ्लो करवा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से I2 जाएगा। अब आप देख रहे हो, जब I1 टोटल करंट इधर से आ रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, तो यहाँ ऑब्वियस है, यहाँ I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ I1 माइनस I2 तो यहाँ भी I1 माइनस I2 होगा। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ I3 पा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये I2 जा रहा है, ये I3 जा रहा है, तो ये I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये यहाँ पर इस लूप में I1 माइनस I2 माइनस I3 है, तो यहाँ भी I1 माइनस I2 माइनस I3 होगा। अब यहाँ टोटल अगर सम करेंगे तो यहाँ फिर से मेरे को I1 करंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा करंट का चक्कर समझ में आ गया, ये मेरा बेसिकली हो गया यहाँ पर, यहाँ कहाँ तक हो गया मेरा KCL वगैरह, यहाँ तक अभी थोड़ा बहुत अप्लाई कर लिया, ठीक है। पूरा हर एक नोड में हम KCL अप्लाई करते, इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नोड भी मार्कआउट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको ऐसे ही प्रेफर करूँगा, आप लूप बना लो, A1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, ठीक है, आप लूप पूरा एकदम लूप ही गिन लो, आप पूरा ये एक लूप में पूरा करंट का पूरा। अब हम सारा KCL का काम मेरा यहाँ ख़त्म हो गया, अब अपन क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले अप्लाई, यहाँ पर लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1, यहाँ पर अपन लूप 1 में अप्लाई करेंगे। कैसे, अपन लूप 1 में KVL लिखेंगे, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर करंट जा रहा है माइनस I1, राइट है, यहाँ से मेरा निगेटिव, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव हम अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +10, क्या लिखेंगे, +10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, माइनस I1, 1 × I1, तो मतलब माइनस I1 लिख देते हैं। अब यहाँ अपन नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये लूप में अपन यहाँ आ रहे हैं इस लूप में, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 × I2 हो जाएगा, क्योंकि I2 करंट मेरा 2 ओम रेजिस्टर से फ्लो। अपन देखेंगे यहाँ पर फिर से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, मतलब कि प्लस से
जा रहे तो अपन क्या बोले थे लास्ट में कि पहले बताया था कि जो नेगेटिव वाला आता है अपन लेंगे, वहाँ नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6 × I2 + I3 ठीक है इक्वल्स टू 0। ये एक मेरा इक्वेशन बन जाएगा। इसको पूरा अच्छे से आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 8I2 + 7I3 = 10 ठीक है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा ठीक है। ये आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा रिजल्ट। अब हम पे है अप्लाई KVL एट लूप टू। हम सेकेंड लूप में अप्लाई करेंगे KVL ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा अगर सेकेंड लूप में करेंगे तो यहाँ से हम अपन प्लस से माइनस आ रहे हैं, यहाँ -20 हो जाएगा ठीक है। -20 अब इधर आ रहा है -3 × I1 - I2 ठीक है, -3 × I1 - I2। अब इधर जा रहे -4 × I3 ठीक है, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -4 × I3। अब अपन ऊपर जाएंगे ठीक है, तो अपन ऊपर जाएंगे लेकिन करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो I2 का इधर है और अपन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपन यहाँ प्लस टू माइनस जा रहे थे तो अपन माइनस लेते हैं लेकिन -2 I2 लेते हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो अपन क्या लिखेंगे +2 I2 = 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -3 I1 + 5 I2 - 4 I3 = 20। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाता ठीक है। ये तो यहाँ तक अपन का कंप्लीट हुआ। अब अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL एट लूप थ्री ठीक है। अब अपन क्या क्या करेंगे KVL एट लूप थ्री में अप्लाई करते हैं। तो अपन क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 5 ओम रजिस्टर से क्या होगा -5 × I1 - I2 - I3। यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +30 लिखेंगे ठीक है। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम 6 ओम रजिस्टर में जाएंगे लेकिन करंट का डायरेक्शन अपोजिट में है और अपन मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव की जगह मेरे को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा 6 × I2 + I3 ठीक है, 6 × I2 + I3। उसी तरह मेरा I3 का करंट इस डायरेक्शन में लेकिन अपन मूव कर रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे 4 × I3 ठीक है = 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 11 I2 - 5 I1 + 15 I3 = 30 - 30 राइट, क्योंकि यहाँ +30 इधर लाएंगे -30। आपका तीन इक्वेशन बन गया, ये आपका तीसरा इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन था, ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका तीसरा इक्वेशन राइट। आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है I1 I2 I3। आप इसे सॉल्व करना ठीक है तो आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करना अभी बैठ जाऊँ मैथमेटिक्स तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर आएगा I1 का वैल्यू 3.333 एम्पेयर, I2 का वैल्यू आएगा 3.333 एम्पेयर और I3 का वैल्यू आएगा -3.333 एम्पेयर ठीक है। ये मेरा वैल्यू आएगा, ये तीनों करंट का वैल्यू आ जाएगा ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको अभी डाउट आएगा सर यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, दोस्तों ये गलत नहीं है, ये सही आंसर है, बट यहाँ पर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये करंट का जो अपन डायरेक्शन I3 का लिए है ये डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि माइनस हमें इंडिकेट करता है कि जो अपन पहले डायरेक्शन I3 एज्यूम किए उसके जगह अपन रिवर्स में लेंगे ठीक है। आपका आंसर सही है, बस ये डायरेक्शन आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस साइन आपका इंडिकेट कर रहा है आपकी डायरेक्शन की, आपकी डायरेक्शन गलत है जो आप पहले एज्यूम किए, आपकी डायरेक्शन इस तरफ होगी राइट। ये आपका बस है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको बोला जाएगा भैया हमको करंट अक्रॉस 2 ओम बता दीजिए, तो करंट अक्रॉस 2 ओम क्या I2 है, तो I2 का वैल्यू कितना 3.33 एम्पेयर। तो इसी तरह आप सारे रजिस्टर के अक्रॉस करंट यहाँ पर आप निकाल लोगे। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ये थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स थी तो मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझा दिया हूँ। अगर आपको और कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो जरूर करें, वहाँ पर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई डाउट आती है तो आप डाउट पूछ सकते हो। आप हमारे यूट्यूब की अबाउट अस पेज के पास आप जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप हमें वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।